हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फिनेंशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले एवेन्यू मार्ट, जिसे डी मार्ट के नाम से भी आप जानते हैं। डी मार्ट क्या करती है आपको पता ही है, एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है और बहुत बड़े बड़े इनकी चेन है। अगर बात करें बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स है जो कि बल्क में आप सामान वहाँ से ले सकते हैं और बड़े सस्ते दाम में। अगर बात करें मुंबई और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में वो पहुँचा है, अभी वो पूरी इंडिया में एक्सपेंड नहीं हुआ है। जिस दिन वो पूरे इंडिया में एक्सपेंड हो जाएगा उस दिन इस शेयर की बात ही अलग होगी, बट अभी कंटिन्यूसली शेयर गिरते जा रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और ये जो गिरावट है ना गहरा सकती है और ये शेयर और नीचे आ सकता है। बट क्या ये अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें निकल जाना चाहिए, उससे रिलेटेड ये वीडियो होगा। ओके, तो वीडियो की तरफ लास्ट तक बने रहिएगा। बट बिफोर दैट वीडियो में हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फिनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर बात करें अभी मैंने एक वीडियो डाली है, अभी तक का सबसे दिग्गज आईटी शेयर, एक ऐसा शेयर जिसके दो अभी जो डिविडेंड अनाउंस किया है, दो डिविडेंड एक साथ अनाउंस किया है और SCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो सबसे बेहतरीन रिजल्ट आए हैं, सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं। और इसके टारगेट की बात करें तो 10,000 रुपये का उसका टारगेट है। और IT सेक्टर, जब EV आएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी, तो इस कंपनी का नाम सबसे ऊपर होगा। तो इसी से रिलेटेड बातें करिए, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, कल की वीडियोज को देख लीजिएगा एज वेल। बात करें नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका अगर डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करें, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है आप सभी को पता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार श्रद्धा के अनुसार आप दान दे सकते हैं। बहुत लोगों ने बहुत दान भी दिया और हमने लगभग 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का दान इकट्ठा कर लिया जैसे मैंने सुना है। तो आप और दान देके एक भव्य मंदिर का निर्माण हम करा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वीडियो किससे रिलेटेड है, ये वीडियो है डी मार्ट से रिलेटेड। डी मार्ट मीन्स एवेन्यू सुपरमार्ट। तो एवेन्यू सुपरमार्ट अगर हम बात करें तो देखिए काफ़ी दिन से गिरता जा रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वन मंथ डे गिरावट, 5 डेज की बात करते हैं गिरावट, 1 मंथ की बात करते हैं तो भी गिरावट, 6 मंथ की बात करते हैं तो देखिए शेयर भागा है, अच्छा खासा भागा है। बस FMCG अगर ये बात करें तो ये शेयर कहाँ तक गया था, 3,330 रुपये। और ये यहाँ पर अगर बात करें कितने परसेंट की गिरावट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 18% की यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। 18% के लगभग, मतलब 18 से 20% की गिरावट आप समझ लीजिए शेयर में हो चुकी है। तो इसलिए और ये शेयर, जैसे कि अभी और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 2017 से शेयर आया है और भागता हुआ नजर आया है। तो ये शेयर अगर हम यहाँ पर और कुछ पैरामीटर्स अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए FMCG सेक्टर, ये इंडेक्स है FMCG सेक्टर का। यहाँ पर देखिए ब्रिटानिया लगभग, देखिए लास्ट टाइम भी गिरा है 2.67%, HUL गिरा हुआ है, VBL गिरा हुआ है, डाबर गिरा हुआ है, नेस्ले गिरा हुआ है, जुबिलेंट फूड गिरा हुआ है। तो मतलब मोस्टली शेयर गिरे हुए हैं और जो नहीं गिरे हैं ना उनके रिजल्ट आने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पर गिरते हुए गिरावट नहीं, बट इनमें भाग आप देखेंगे कि भागते हुए भी नहीं दिख रहे, नॉर्मल उसी स्टेज पर खड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शेयर में अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये शेयर गिरते जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा दिग्गज शेयर है जो ये है, ये एवेन्यू सुपरमार्ट। तो एवेन्यू सुपरमार्ट देखिए थोड़ा बहुत और गिर सकता है, बट आपको हर एक डिप का फायदा उठाना है, आपको बाय ऑन डिप्स करना है। लास्ट टाइम भी अगर हम एक साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए शेयर कुछ नहीं भाग रहा था, सीधे सीधे सिंपल सिंपल चल रहा था, बट जैसे जैसे यहाँ पर अक्टूबर आया ना, शेयर ने पहले तो इस कंसोलिडेशन देखिए 2500 तक गया था, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आया और फिर उसके बाद जो भागना शुरू किया, तो ये 2000 का शेयर 3400 रुपये तक जाता हुआ हमें नजर आया था। फिर उसके बाद अभी गिरावट हो रही है, फिर एक कंसोलिडेशन मोड पर जा सकता है। तो इसलिए बताना चाहता हूँ, इस शेयर की तरफ नजरें बना के रखिए। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब भी गिरावट हो आपको खरीदना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प लेनी है और खुद की स्टडी भी करनी है। ये शेयर सबसे बेहतरीन शेयर है, 52 वीक हाई दे सकते हैं, 5 मार्च को था, उसके बाद से लगातार गिरावट है। 19 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर आप देख सकते हैं 1954 रुपये का शेयर चल रहा था और किस तरीके से एक साथ भागा है वो आप देख सकते हैं। 1,66,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। रिजल्ट का टाइम है, ओके, जैसे ही रिजल्ट आएंगे तो आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा। अच्छी खासी होल्डिंग केवल प्रमोटर्स के पास ही है 75%, बाकी FIIs DIIs ने यहाँ भर भर के ले रखा है ये शेयर, जो कि मैं आपको दिखाता हुआ नजर आऊँगा। कोई भी यहाँ पर शेयर गिरवी नहीं है, कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं है। और अगर यहाँ पर बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आने वाले अभी यहाँ पर आया नहीं है लिखा हुआ, जिस दिन आ जाएगा वो उस दिन मैं आपको बता भी दूंगा और इसके रिजल्ट भी हम देखेंगे। तो एवेन्यू सुपरमार्ट करता क्या है आप देख सकते हैं, FMCG का सेक्टर,
बेटर है, आपको बहुत सस्ते दाम में मार्केट में जो आपको ग्रोसरी शॉप्स होती है उससे भी सस्ते दाम में, ओके अगर बात करें होलसेल के दाम में ही आपको अच्छे खासे चीज़ें मिल जाती है। और ऐसा नहीं कि आपको कि सिंपल आपको पैकेट पैकेट में चीज़ें मिलती है, आप खुले में जैसे ग्रोसरी आपको दाल चाहिए एक किलो तो उस तरीके से आप डाल के ले सकते हैं, चावल चाहिए आटा चाहिए उस तरीके से आप यहाँ पर जाके ले सकते हैं। बाकी जो भी मार्केट के बड़े बड़े ब्रांड है सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हुए मिल जाएंगे। बाकी इनका खुद का भी ब्रांड है डीमार्ट ब्रांड के नाम से, ओके यहाँ पर देख सकते हैं सब चीज़ बनाते हैं घी से लेके चावल से लेके यहाँ पर सब चीज़ें देते हैं और सस्ते दाम में ही देते हैं। और बाकी यहाँ पर ये लगेज से रिलेटेड फुटवेयर भी आपको मिलते रहेंगे, अप्रेस होम अप्लाइंसेज ये सारी चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। और कर्नाटका आंध्र प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र, बट अभी क्या इशू हो रहा है कि महाराष्ट्र में 7 to 11 तक का एक तो दुकान शॉप्स ओपन है और ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस रखता है। और अगर बात करें यहाँ पर ये शेयर की तो FMCG का है, लास्ट टाइम जिस तरीके से एक साथ पैनिक हो गया था कि लोग भाग रहे थे, पीपल वर क्रेजी टू गो आउट एंड एक साथ राशन भर लो 3-4 महीने का, इस तरीके का कोई पागलपन अभी सवार नहीं है लोगों में। तो आपको बताना सकता हूँ कि ये शेयर उस तरीके से कि भीड़ लगेगी और ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम यहाँ पर देखें लोगों ने इस तरीके की कोई भीड़ बाजार में नहीं लगा रखी क्योंकि उन्हें पता है कि सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, यू डोंट नीड टू गो आउट एंड शॉपिंग लाइक अ क्रेजीनेस, तो इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए लोग जा भी नहीं रहे। अगर यहाँ पर देखें देखिए सेंसेक्स वगैरह निफ्टी वगैरह भागते हुए नजर आ रहे हैं, बट ये शेयर देखिए अपने सुपरमेट फॉल्स ओके गिरता हुआ नजर आ रहा है, बट कुछ लोगों ने बहुत टारगेट दिया है। यहाँ देख सकते हैं IDBI कैपिटल ने यहाँ पर 3700 के लगभग का टारगेट दिया है, अगर बात करें कोटक की 3010 का टारगेट दिया है, ये अभी दिए 1 week पहले ही यहाँ पर टारगेट देते हुए नजर आए। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर भी है ये शेयर। अगर इसके कुछ फाइनेंशियल देख ले देखिए लगभग 1,75,787 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, 20 ROCE पे कंपनी भाग रही है, डेट नाम के बराबर है 2% का, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। यहाँ पर अगर हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं FMCG में इसके आगे टक्कर का कोई भी नहीं है। नेक्स्ट आई थिंक निफ्टी नेक्स्ट 50 का ये स्टॉक है और अभी FNO में यहाँ पर देखें तो देखिए FNO में यहाँ पर नज़र नहीं आता, जब ये FNO में आ जाएगा तो ये निफ्टी 50 का भी पार्ट बनता हुआ आपको नज़र आता नज़र आ सकता है। तो इस ये जिस दिन FNO में आएगा उस दिन आप समझ लीजिएगा निफ्टी 50 का नेक्स्ट जो 6 महीने में रीबैलेंसिंग होती है तो ये शेयर आता हुआ नज़र आएगा। सेल्स की बात करें तो देख लीजिए सेल्स काफ़ी अच्छी है, ओके कंटिन्यूस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लगभग डबल हो चुकी है 2 साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो चुका है, डबल से ज़्यादा प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए 167 करोड़ का प्रॉफिट लगभग 470 करोड़ का हो चुका है। अगर बात करें इस प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट की तो सेल्स देख लीजिए 10 साल में 593 रुपये की सेल्स आज 22,678 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो चुकी है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23 करोड़ का प्रॉफिट 1543 करोड़ में हो चुका है, नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का प्रॉफिट 1,017 करोड़ में यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सबसे ज़्यादा ही है बट यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो ये सेशन था ओके मार्च का, इसमें यहाँ पर फिर लॉकडाउन लगते हुए नज़र आया था जिस वजह से लोगों ने ज़्यादा डीमार्ट वगैरह से शॉपिंग नहीं करी होगी, जहाँ भी उन्हें मिल रहा था लोकल शॉप में भी वहाँ पर से भी उन्होंने शॉपिंग करी है, तो इस वजह से यहाँ पर गिरावट हुई थी नज़र आई है। बट ये दोबारा बैक टू बिजनेस आने वाला है ओके, जिस तरीके जिस वजह से चेंजेस होते रहेंगे कोविड में ओके, जिस जिस तरीके से सुधार होता जाएगा, ये मल्टीवैगर और इंडिया में पूरे स्टेट में भी नहीं है, जिस दिन ये मल्टीपल स्टेट्स में ओके ऑल अराउंड इंडिया आ गया ओके, जैसे कि आपको हर जगह बिग बाज़ार मिल जाता है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट आपको इस तरीके के मल्टीप्लेक्स मतलब आपको पता है मॉल टाइप में मिल जाते हैं ग्रोसरी के, तो जिस दिन ये ओपन हो गया अराउंड द इंडिया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर में इस तरीके की रैली आएगी, आपको करोड़पति बनाने वाला स्टॉक है अगर बात की जाए। इन शॉर्ट रिजर्व्स की बात करें 10,000 करोड़ के रिजर्व्स है, कभी भी बोनस दे सकता है। बोरिंग की बात करें 281 करोड़ की बोरिंग है, ना के बराबर। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए 287 करोड़ रुपए का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अभी इनके जो मालिक है राधा किशन दामानी जो कि बहुत दिग्गज है और राकेश झुनझुनवाला इनके गुरु भी मानते हैं, तो उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का घर भी खरीदा है जो कि अभी सबसे ज्यादा मतलब अंबानी साहब के बाद इनके ही नंबर आता है रजिस्टर हाउस में। अगर कैश की बात करें 70 करोड़ रुपए का कैश है। अगर बात करें प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग 75% की है।
FIs देखिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है, 10.09 से 10.17 कर ली है। DIS ने थोड़ी सी हिस्सेदारी करी कम करी है, बट उन्हें पता है कि कंपनी कैसी है। पब्लिक केयर ने देखिए 8% की हिस्सेदारी ही पब्लिक के हाथ में है, बाकी 8% की भी नहीं है, 2% की HNI ने ले रखी है। बाकी अगर बात करें 6% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी सारी हिस्सेदारी इन्हीं के पास है। तो आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी मल्टी बैगर स्टॉक है, बाय ऑन थोड़ा बहुत गिर सकता है और ये गिरावट आपको मौका देगी, तो आपको बताना चाहता हूँ बाय ऑन डिप्स करिए। हर एक डिप में आपको बाई करना है और ये शेयर आपको मल्टी बैगर बनाता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके का इनका बिजनेस है, ओके, अभी आपको पता नहीं है, आप जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे पता है कि मुंबई में किस तरीके से भीड़ रहती है इसमें डीमार्ट में। आप सैटरडे संडे को चले जाएंगे तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और कोई भी प्रॉपर्टी इनकी क्या कहते हैं, जैसे मैकडोनल्ड प्रॉपर्टी खरीदता है ना और फिर बनाता है, इसी तरीके से उनका बिजनेस बर्गर का नहीं है, उनका बिजनेस है किसका, प्रॉपर्टी का। लाइक दैट इनका ये पूरी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ओके, कोई किराया देने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ देने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी अपनी एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर रन हो ही रहा है, जैसे कि एक बनिया की शॉप में आपने देखा होगा। तो आपको बताना चाहता हूँ मल्टी बैगर स्टॉक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। किसी ने अगर 3400 पे भी खरीदा है होल्ड करिए, बाय ऑन डिप्स करिए, और जो अभी न्यू एंट्री लेना चाहते है तो अभी ले सकते हैं, और जितना गिरावट हो और धीरे धीरे करके SIP मोड पर डालते रहिए। 10 साल में ये कंपनी अलग ही आपको रिटर्न देती हुई नजर आएगी, ये आपको करोड़पति बना देगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहे और इसी तरीके के पैसे कमाते रहे, इस तरीके के नॉलेज शेयर करते रहे और दूसरे लोगों को कनेक्ट करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।